हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मैं 3-4 दिन से गायब थी। मैंने आप सबको बताया था कि मैं मायके जाने वाली थी, और वहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी कुछ सूट करने का दिल नहीं कर रहा था। कुछ देखिए, खुशी का माहौल होता है ना, तो फिर कुछ भी क्रिएट करने में बनता है, और ऐसे वाले मोमेंट में कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने वहाँ का कुछ भी सूट नहीं किया। और आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये है मेरी शिवरात्रि दिन का ब्लॉग, और मैं एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई थी कि मैं बहुत ही भाग दौड़ में थी, बहुत जल्दबाजी में थी। पूजा पाठ करना था, बहुत सारा काम था, फिर मुझे 2 बजे मेरी ट्रेन भी थी मायके के लिए, वहाँ के लिए भी जाना था, जिस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी सही से। और शूट जो हुआ तो मैं एडिट नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा मैं बिजी थी उस दिन ना, मैं क्या बताऊँ। अभी हो रही सुबह का टाइम, सुबह के 7:30 बज रहे होंगे, और मैं पूरा घर का साफ सफाई जो भी था वो सारा करने के बाद आराध्या को भी नहला दी हूँ, और मैं भी नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ। बस थोड़ा मांग भर ली है। मांग भरने के बाद ना मैं पैर में अलता लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज शिवरात का उपवास रखी हूँ। और पहले पैर में अलता लगाने के बाद मैं अभी पूजा पाठ करूँगी। पहले सबसे पहले घर में पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर पर पूजा पाठ करने के लिए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों से जो भी रहेगा ना मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। और यहाँ पे आराध्या को देखिए, ये भी बहुत जिद कर रही थी कि अलता लगाने के लिए, और मैं बहुत ही जल्दबाजी में थी। फटाफट से मैं जैसे तैसे अलता लगाई। कहते हैं ना, कोई भी उपवास करना चाहिए ना तो अलता लगाना चाहिए। और बस मैं वहाँ चली गई थी 2-3 दिन बाद, और वहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे थकावट भी हो गया। तो शादी का घर हो चाहे ये सारा, मतलब श्राद्ध का, ये सब चीज़ में ना क्या होती है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट, थकावट हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, और आप सभी को मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अभी करेंगे हम लोग पूजा पाठ, और मेरा आज रहेगा उपवास। और आज मुझे पिछले टाइम में 2 बजे लगभग मायके के लिए भी निकलना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आज का ब्लॉग क्या है क्या नहीं है। और पहले सबसे पहले घर में भी मैं पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद मंदिर पे पूजा पाठ करेंगे। चलिए आप सबको भी लेके चलेंगे। अभी आ गई हूँ पूजा रूम में, और यहाँ पे भी थोड़ा प्रसादी वगैरह बना लेती हूँ, प्रसादी काट लेती हूँ। सारे जितने भी फल वगैरह थे ना, वो सारा मैं धो धा ली हूँ। धोने के बाद यहाँ पे और आज ना आराध्या भी भूखी है मेरे साथ, वो भी पूजा करेगी घर पर भी, और मंदिर में भी जाएगी पूजा करने के लिए। और ये वही ब्लाउज है जो मैंने उस दिन सिला था, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लग रहा था ये बताइएगा। और पता है, जब मैं कल दोपहर में आई हूँ मायके से, और कल दिन भर सोई हूँ, इतना ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी ना कि क्या ही मैं बताऊँ। और बस मैं सोती रही, शाम में 4-5 बजे उठी, तो फिर उस टाइम भी मुझे ना वीडियो एडिट और वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज दूसरे दिन थोड़ा खुद को फ्रेश सा फील कर रही हूँ, और आज भी नहाई धोआई सारा कपड़ा लगता, बहुत काम था यहाँ आने के बाद, वो सारा कंप्लीट करने के बाद आज भी थोड़ी मेरी वीडियो लेट आने वाली है। 3-4 दिन से तो मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि जब भाग दौड़ हो जाती है ना तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। और पता नहीं, मैं ना जैसे मोमेंट देखती हूँ कि कौन सा मोमेंट में क्या करना चाहिए और कौन सा मोमेंट में नहीं करना चाहिए शूट, तो बस मैं वैसे ही करती हूँ। फिर भी इस ब्लॉग में बहुत वहाँ का भी मैंने शूट किया है, थोड़ा बहुत, बस उससे ज़्यादा नहीं, बस वही सारा मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और डायरेक्ट फिर उसके बाद 1-2 दिन वहाँ पे जो भी था रही, फिर उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि अपना घर भी तो देखना होता है ना। और यहाँ पे लीजिए, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है पूजा पाठ की, और अभी हम चलेंगे घर में। मेरा पूजा हो चुका था, मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, मतलब थोड़ा सा भी खाली नहीं हो रहा था। जैसे ही 2 खाली होते थे फिर 2 भर जाते थे, बहुत ज़्यादा। शिवरात्रि था, पूजा पाठ सब लोग करते हैं, इसी वजह से भीड़ तो लगना ही था। बस यहाँ
और शिवरात्रि में ना हम लोगों के यहाँ पहाड़ पर मेला भी बहुत अच्छे से जम करके लगती है। अगले बार मैं देखी थी, लेकिन इस बार तो मैं नहीं देख पाऊँगी क्योंकि इस बार मैं यहाँ पे रहूँगी ही नहीं। और वैसे शिवरात्रि में मेला नहीं लगती, जैसे शिवरात्रि के एक दिन बाद मेला लगती है। शिवरात्रि के दिन ऐसे लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते, फिर उसके दूसरे दिन नीचे में बहुत भयंकर मेला लगती है। तो मिस तो करूँगी इस बार। और हम लोगों का यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, मैं घर आ गई थी और अभी बज रहे 11:30। पूजा पाठ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फटाफट से मैं मम्मी के लिए और इनके लिए नाश्ता और खाना दोनों ही साथ बना देती हूँ। फिर मुझे ना थोड़ा पैकिंग भी करना है, क्योंकि मैं पैकिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि और काम में ही सुबह से लगी पड़ी थी। पैकिंग वैसे तो पैकिंग हो गया था और थोड़ा बहुत सामान अभी बाहर ही पड़ा है जिसको मुझे पैक करना है। और यहाँ पे ना पूजा हो रहा है, जिसके वजह से आप लोगों को वीडियो में काफ़ी ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और ऑलरेडी मैं 3-4 दिन से वीडियो अपलोड की नहीं हूँ, आज मुझे कोई भी हाल में करना है। इसी वजह इधर आलू उबाल ली थी, आलू और सोयाबीन दोनों ही उबाल ली थी। सोयाबीन थोड़ा गर्म पानी में डालने के बाद वो फूल जाती है, ज़्यादा उसको उबालने का ज़रूरत नहीं था। आज मैं सोची आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ही बना देती हूँ, दोपहर का खाना में भी हो जाएगा और फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो सिर्फ मम्मी ही खाएगी। और मम्मी हम लोगों के साथ नहीं जा रही है, हम और सिर्फ ये जा रहे हैं। मम्मी को काफ़ी मैं बोली कि मम्मी चलिए, लेकिन मम्मी बोली मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, इसी वजह से हम लोग ही जाएंगे। तो अभी ना नाश्ता मैं बना देती हूँ क्योंकि भूखे तो जाएंगे नहीं है, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे। उसके बाद नाश्ता करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा। और ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ ना, ये साड़ी में मैं नहीं जाऊँगी, दूसरा साड़ी पहनूँगी, चेंज करूँगी साड़ी में। ये वाला मैं फिर वहाँ पर जाके कल पहनूँगी, क्योंकि ये साड़ी कल कल है वहाँ पर श्राद्ध जो है ना वो कल है, तो कहते हैं उस दिन न्यू कुछ पहनना चाहिए। तो आज तो मैं ये साड़ी मैं वहाँ पे जाके चेंज कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं आलू भून ली हूँ, सोयाबीन भी भून ली हूँ और प्लस मसाला भी भूनेंगे। मसाला भूनने के बाद सब्जी बना लेती हूँ, सब्जी और एक साइड चावल भी चढ़ा देंगे, नाश्ता और खाना। मैं ना जो सब्जी बनाई हूँ ना वो थोड़ा बढ़ा कर के बना ली हूँ, बढ़ा कर इसलिए बना ली ताकि सुबह का नाश्ता में भी सब लोग खा, सब क्या दो लोग तो खाएँगे तो इतना सब्जी काफ़ी है, दोपहर में भी खा लेंगे और नाइट में भी हो जाएगा, सिर्फ नाइट में मम्मी ही खाएगी तो एक आदमी के लिए इतना सब्जी बहुत है। और इधर मैं मसाला वगैरह सारा चीज़ तैयार करके रखी थी पूजा करने से पहले ही, मंदिर से आने के बाद। बस अब फटाफट से मैं ये सारा मसाला भून लेती हूँ, मसाला भूनने के बाद तब तक मेरा चावल भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो मेरा पैकिंग करने का बच गया था ना वो भी मैं साथ में ही जाकर कर भी रही थी। और इस टाइम पे ना मैं क्या बताऊँ, मतलब सारा चीज़ ऐसा लगता है कि रुक सा गया है, कोई चीज़ का मन नहीं कर रहा है, ना ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ सही से, ना सही से मैं किसी से बात कर पा रही हूँ, ना सही से खाना खा रही हूँ, अजीब अजीब सा फील हो रहा है। लीजिए बहुत मुश्किल से सब्जी और चावल मैं बना दी हूँ और ना धूप वाला मौसम अभी आ गया है काफ़ी ज़्यादा। बस मैं घर से शरबत पी ली थी और फिर रेडी हो गई, आराध्या को भी रेडी कर दी। बस आप लोगों से डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ ट्रेन में, फिर उसके बाद बहुत जल्दबाजी में मैंने काम वगैरह किया, बहुत काम था, वो सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ स्टेशन पर। और ट्रेन बस यहाँ से 5 मिनट में खुलने ही वाली है और इसके बाद हम आपसे अपने मायके जाकर के मिलते हैं। और जैसे आज है 18 तारीख, जो शिवरात्रि का दिन था ना, और ये वाला जो ब्लॉग अभी मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ ना, तो ये है 19 तारीख का, 19 तारीख की है, जो कुछ श्राद्ध में विधि विधान होता है बस वही सारा चीज़ हो रहा है। यहाँ पे पापा है और बीच में पापा बैठे हैं और वो साइड जो बैठे हैं वो भी चाचा हैं और ए साइड बैठे हैं हमारे पापा जो है ना 4 भाई हैं। और यहाँ पे जो अभी मतलब टीका वगैरह लगाने का लास्ट में जो होता है ना दान वगैरह जब होता है पंडित जी को, जो ब्राह्मण होते हैं उनको दान करते हैं, तो बस वही है लास्ट में। और ये शायद कोई और सूट किया था, मैं तो बस वहाँ पर बैठी थी और थोड़ा ये जो मूवमेंट होता है ना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। वो तो सब कोई कह रहे थे कि मतलब फ़ोटो खींचो वीडियो करो, तो फिर मैं जाके थोड़ा बहुत किसी से करवाई थी और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से तो मिलवा ही दी हूँ। और इसी तरह करके सारा चीज़ हुआ, बीच में जो बताया ना पापा है,
लग कर रही है ना, तो ये पापा के फूआ हैं, अपने फूआ मतलब दादाजी की बहन। सारे लोग बारीकी बारीकी से आते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। आप सब खुद ही देख लीजिए मेरी कितनी बड़ी फैमिली है, कैमरा में भी सब नहीं समा रहे थे, इतनी बड़ी फैमिली है।